तो नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू। हमारा अभी मौजूद है वार्ड नंबर 23 के अंदर, और एक ये जो अपनी जो शेखावाटी की जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो कुएं है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, अब कि आज की डेट में ये बनना मुश्किल है। इकट्ठा हुए इन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर और ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर और ट्रांसमीटर है इसको भी, इसके बाहर ये नींव खोदी गई है और इसके चारों तरफ और दीवार बनाने की और यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जानते हैं पूरा क्या कुछ मामला उसके बारे में यहाँ से। और इसके अलावा उन लोगों का ये भी कहना है कि पीछे की साइड में और एक मंदिर भी बना हुआ था, तो उसको भी और ज़बरदस्ती गिराया गया है। अभी इनसे जान लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ मामला उसके बारे में जानते हैं। तो साहब नमस्कार। तो साहब कहीं आज इकट्ठा हो रहे हो आप? मैं इकट्ठा यहाँ हो रहा कि ये जो पर्यटन विभाग को कुओं है, ये कई कोई टाइम पे 100 साल पुराना कुआ होएगा ये। अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ से 23 नंबर वार्ड पार्षद बोल रहा हूँ। तो ये जो इसने मनोज कुमार जोरी है रामगढ़ का, इसने ये जमीन को खरीदा है। अच्छा। तो ये कुआ को नहीं खरीदा, बगीचा और कोठी इसने खरीदा है, तो ये कुएं पे भी कब्जा कर रहा है। अच्छा। तो ये कुआ पे कब्जा नहीं होना चाहिए, इसकी जमीन और कुआ। हाँ। तो ये जो है ना, ये हवेली कितनी पुरानी है आपके हिसाब से? ये कम से कम होएगा 150 साल पुराना होएगा। मनोज जी ने कब खरीदा ये यहाँ पर जमीन? अभी खरीदी है, थोड़ा दिन पहले ही। अच्छा। तो ये यहाँ पर और ये इस पे ये नींव वगैरह खोदी हुई है, तो दीवार करेंगे चारों तरफ? बिल्कुल, ये कब्जा करना चाहता है, दीवार करना चाहता है ये। अच्छा, ये कब खोदी थी ये? इसको गए दो दिन हो गए। हाँ, परसों खोदी हुई है। परसों खोदी हुई है। तो अभी जब ये खोदी थी तो आप लोगों ने किसी से बात करी थी या फिर अभी? नहीं, किसको नहीं पूछा। अच्छा अच्छा। और किसको मालूम भी नहीं पड़ने दिया कि ये खोद रहा है करके। अच्छा, अभी हमको अभी मालूम पड़ा है, तो हम लोग इकट्ठे हुए। कब खोदी थी ये? शायद रात को खोदा हुआ है। अच्छा, रात को। हाँ जी, मतलब ये है कि इनको पता था कि भाई ये विरोध वाली जगह है, तो इसलिए नाइट में ही काम किया था कि कोई बोले नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये नाइट में खोदा है। तो जैसे कि ये राष्ट्रीय धरोहर है, ये कुआ भी इसके साथ में हवेली के साथ में है क्या? नहीं, अलग। ये अलग है? नहीं, ये साथ में ही बना हुआ है। हाँ, बना हुआ साथ में ही है। अच्छा, तो जिन्हें सेल किसने करी थी ये जमीन? ये सेल तो खेमानी ने की है। खेमानी ने करी थी। हाँ जी। और ये कुआ अलग ही है ना? हाँ, कुआ अलग। अपने जो झुंझुनू एरिया के अंदर, शेखावाटी के अंदर, वो कुएं अलग ही होते होंगे? बिल्कुल अलग है, सब कुएं अलग होते हैं। बाबूजी, और बाबूजी से बात करा। नमस्कार। इससे जमीन से कोई संपर्क नहीं है इसका। अच्छा अच्छा। प्रॉपर्टी अलग है, ये प्रॉपर्टी अलग है। अच्छा, अलग है क्या? हाँ, तो ये क्योंकि ये धर्मात्मा में है, सामृत में है, इस पर सब आता है, सब पानी पीता है, उसमें कोई भी नहीं जाता, उसमें मालिक की धरोहर रहती है। अच्छा अच्छा। ये इसमें मालिक का कौन नहीं है, इसमें सब लोग है ना, सबका संस्कार है इसमें। अच्छा। सब पानी पीते हैं, सब गौ पानी पीने का है, ये गाय पानी पीने का है, तो इसमें गाय पानी पीते हैं। अच्छा, और बाबूजी ना साल तो मैं भाई हूँ। अच्छा, ये और है, ये अभी इनसे बातचीत कर रहे थे। क्या नाम सर आपका? परमेश्वर। परमेश्वर जी, आप कहाँ के? यहीं के हो क्या? हाँ, यहाँ का ही। 11 साल तो मैं भाया। कितने साल पहले? अभी 40 पहले, अभी छोड़ दियो। कितने साल पहले थे छोड़ दियो? ओ, 12 जाने के बाद मैं छोड़ दियो। कितने साल पहले थे 12 गया? मैं मेरे को 20 साल रह के आयो बड़े। अच्छा, मतलब आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले और ये हाँ छोड़ दिया। खेतीबाड़ी करते थे? हाँ। फिर मारे दादो करे, मेरे दादा को बेट दादो करे, भर दादो करे, सही नए बाणिया लिया की लिखी दई के भाई 10 बीघा जमीन उतरा तो डानो थारो ही है, मैं क्यों ही नहीं कर सका। अच्छा। भाभी का मान है, अब वो कागज को बेरो नहीं है, कागज वगैरह को कुछ को नहीं बेरो फिलहाल। हाँ। तो जो ये कुआ है, ये अलग है कि एकदम? वो अलग ही है, बाकायदा देखो लिख रहा है, लिख रहा है ना ये भैया, देखो बगीचा और कोठी की फोटो देखो, मनोज जो कोठी है उन्होंने साफ साफ लिखी हुई है, बगीचा है, इससे कोई संपर्क नहीं है। वो तो अलग ही है, वो अलग ही है। हां, वो अलग ही है। इसके नीचे जो भी, इसके नीचे जो भी जमीन है वो कुआ के अंडर में है, उस पर भी कब्जा कर लिया इसने। अच्छा, तो एक चीज और सुनने आई है कि पीछे की साइड में भी जमीन है ना खाली, वो भी है 30 मीटर। हाँ, 30 मीटर पीछे इसकी जमीन है। वो बालाजी के मंदिर के लिए जमीन पिछली बेची थी ना, उसके लिए छोड़ा था, उस पर भी इसने कब्जा कर लिया है। तो मंदिर जो था वो वहाँ पर पहले मंदिर बना हुआ था क्या? मंदिर हो। हाँ, मंदिर हो। तो वो मंदिर कहाँ गया अभी? मंदिर उठा के अंदर रख ली, अंदर रख ली, मतलब पूरी तरह से विस्थापित करी हुई थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसे मंदिर है जो पूरे मतलब गुंबद वगैरह कुछ बना, छोटा मंदिर था, मतलब छोटा मंदिर, छोटा मंदिर। तो फिर वो अचानक इन्होंने खुद ने हटाया, खुद ने हटाया, खुद ने हटाया, खुद ने हटाया। एक झाड़ था, एक मंदिर, बड़ा पेड़ है, आपके पास प्रूफ भी है क्या उसका? उसकी क्या कुछ हुआ था? वो अपने लड़का का ना मोबाइल में पते चेक कर रखी है। अच्छा, उसके पास में बा जो मंदिर है, जो घटना है वा कब की है? ये 5-7 दिन पहले की बात होगी। ना, पंद्रह दिन होगा लेकिन हाँ, मेरे को तो मालूम नहीं, हमारा बच्चा का ना उसमें। अच्छा, तो किसी ने इस चीज का विरोध नहीं किया था क्या उस टाइम पे? नहीं, कोई किसी ने भी विरोध नहीं किया। बगीचा में कर रहे हो काम? कोई मां ना कर रहे हो, अपना तो अधिकारी को ना लीड आप क्यों विरोध करा, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन जब वो सार्वजनिक जमीन के ऊपर अतिक्रमण कर रही है, जन आपा ने बोलना पड़े है। बिल्कुल बिल्कुल, यह है कि आपकी खरीदी जमीन अभी मैं कुछ बिक्रा माना, मतलब अब सार्वजनिक वो है, अरे कोई बराबर का मायने जमीन ही कुआ के पड़ी अभी पर भी वो कब्जो कर रही है, जना बोलना पड़ रही है, नहीं आपा क्यों बोला? सही, तो वो खुद को नहीं आएगी जा अभी तक? वो कोनिया वो कोई टेम आवे मजदूरी आ रहे है, मतलब है कोई ना भी, मतलब इतना कर लो, कोई देखा ही नहीं। हां अच्छा, सब अच्छा साहब, एक चीज बताओ कि अगर मान लो कि वो जो यो है और इस तरीका से ये कब्जो रखेगा तो आगे के प्रोसेस कर रहे हो? बिल्कुल, हम कलेक्टर के पास जाएंगे। ज्ञापन वगैरह अभी दिया नहीं क्या? अभी दिया नहीं, अभी देंगे, मंडे को देंगे हम। अच्छा, मंडे को देंगे? हाँ जी, आज सैटरडे संडे छुट्टी है, इसके लिए मंडे को देंगे। तो जो मनोज जो है, जिसके जो प्रॉपर्टी के जो मालिक है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे ये तुम्हारा नहीं है, ये इसको छोड़ो आप। अच्छा, इसको छोड़ो और वो जो अपना है, जो बाकी तुम्हारा जो भी कब्जा है वो करो आप। अच्छा, ये कुआ और ये पीछे का जो जमीन है जो जिसमें मंदिर बना हुआ था उसको छोड़ना पड़ेगा उसको। अच्छा ठीक, हाँ जी, ये चाहते हैं हम। कुआ की तो रजिस्ट्री को नहीं, वो तो धर्मादा हुआ है। बिल्कुल धर्मादा है, ये पर्यटन विभाग में आता है। हाँ जी, इसको हम छुड़वाना चाहते हैं। अच्छा, मुनीम जी हो रहे आगा, ऐसे बातचीत करा सब, नमस्कार। अभी आपने थे काम कुम थे करवा रहे होगे? सेठ जी करवा रहे, मैं थोड़ी करवा रहा, मैं तो खड़े खड़े बैठी हूं। अच्छा, सेठ जी करवा रहे होगे? हां, तो सेठ जी के बोले था ना कि एक ऊपर और वो ट्रांसमीटर वगैरह मांग ले लो ना, वो हटवाने के लिए कह रहे। अच्छा, वो हटवाने के लिए कह रहे, तो ए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब थे के काम चालू रखो के बंद करेगा? मैं तो बंद कर दूं, मेरे की दिक्कत आ रही है। सेठ जी अपन इन्फॉर्मेशन दे दी कि साहब ये यहां कह रहे बंद करो नहीं तो अपन ने दिक्कत कर रहे। सेठ जी कहो चालू कर दियो, कह दियो बंद कर दे शाम में दिक्कत। अपन इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि ना, तो इंश्योरेंस अब देगा। अभी और अंदर की साइड में एक मंदिर की जगह और बता रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। मंदिर वाली जो जगह है वो बता रहे हैं, यहाँ पर जानते हैं, ये दीवार बनी हुई थी क्या पहले? ये पहले ये दीवार बनी थी, जो अभी भी आधा डंडा बना हुआ है, आधा बना हुआ है। हाँ, और इसको इसने गिरा दिया है। और हाँ, ये जो जमीन है जहाँ पे हम खड़े हैं, हाँ, ये इस यहाँ पे मंदिर था। अच्छा, यहाँ पर कौन सी जगह पर था वो मंदिर? ये यहाँ पे था मंदिर। अच्छा, यहाँ पर मंदिर था? हाँ जी, और यहाँ पे ये पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था जाटी का। अच्छा, इसको इसने काट दिया, गिरा दिया है। अच्छा, जो आपके सामने पड़ा हुआ है। हाँ, और, ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, और ये मंदिर कहाँ गया? वो ये मंदिर को हटा दिया इसने, मूर्ति मूर्ति है, मूर्ति को अंदर रख दिया है, मूर्ति भी अंदर रख दिया इसने, मूर्ति है, बालाजी का मूर्ति है। कितने साल पुराना मंदिर था वो? ये 150 साल हो गए। हाँ जी, मंदिर था। और ये पूरा जमीन था, खाली पड़ा था, इसको इसने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, ये है ना? हाँ जी, ये वाला। तो उस टाइम पे मंदिर जो गिराया था, तो उस टाइम पे आसपास के लोगों ने मंदिर गिराया उसने? नाइट के अंदर सारे काम हुए हैं क्या? नाइट में काम? अच्छा, सारे काम रात में ही किया था कि कोई बोलने वाला? हाँ जी, अभी भी इसने काम चालू करके रखा आपके सामने, देखो। अच्छा, यहाँ पर ये काम? हाँ जी, हाँ, ये काम चालू करके रखा। ये अवैध कब्जा किया? बिल्कुल अवैध कब्जा है, कोई पेपर वेपर ना कुछ नहीं है। पेपर वगैरह अगर लेता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दिखा दो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर है ही नहीं इसके पास। ये डंडा जो आधा डंडा बना हुआ, आधा गिर गया है, आधा अभी भी खड़ा है, यहाँ तक इसका जमीन है। अच्छा, यहाँ तक ही? हाँ जी। तो जिन्होंने सेल करी, जो पहले यहाँ पर रहते थे, तो उनसे भी आपने पूछताछ करी थी क्या कि कितनी जमीन है उनके पास? तो पेपर वेपर हो गए या फिर नहीं थे? पेपर है ही नहीं इसके पास है इनके पेपर? हाँ जी, पेपर नहीं है, पेपर उतनी जगह का पेपर है। ये खेमानियों की जमीन है और खेमानियों ने बेचा है इसको। अच्छा जी, तो ये जो मूर्ति थी मंदिर वाले, वो अंदर रखी हुई है, करीब 150 साल पुरानी ये मूर्ति है, हनुमान जी के मंदिर की है। इसकी पूजा वगैरह भी होती थी क्या? हाँ, जरूर जाता था। अच्छा, लोग कई लोग यहाँ पे पूजा करते थे बगीचे में ना? हाँ हाँ, लोग देता, लेकिन अब तो मूर्ति को अलमोरी में मिलती, मतलब वो खाड़ की अलमोरी में मिलती। सही है, पूजा तो वो
और बाढ़ ना के लोग अगरबत्ती करते सुबह शाम झाट के नीचे। ठीक है चलो।